नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर में 27 मई से 31 मई तक खेलो इंडिया खेलों के तहत आयोजित होने वाली रोइंग प्रतियोगिता की तैयारी पूरी की जा चुकी है। आपको बता दें कि गोरखपुर में 27 मई से 31 मई तक खेलो इंडिया खेलों के तहत रोइंग प्रतियोगिता रामगढ़ताल गोरखपुर में आयोजित की जा रही है, जो कि यूपी में पहली बार हो रहा है, जिसमें देश के 28 टीमों के लगभग 400 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों का आगमन शुरू हो गया है। खिलाड़ियों के रुकने व खाने पीने की पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा महानगर के अलग अलग होटलों में की गई है। इसके अलावा रामगढ़ताल के किनारे बने वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। जीडीए द्वारा रामगढ़ताल को पूरी तरह से दीवालों पर खेलो इंडिया खेलों का पेंटिंग पोस्टर से सजा दिया गया है और साफ सफाई करवाया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। रामगढ़ताल में नौगायन की प्रतियोगिता के लिए ताल में गुब्बार लगाकर रास्ता बनाया गया है। अपने लाइन में ही प्रतियोगिता में शामिल होंगे और प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसके अलावा रामगढ़ताल में आपदा विभाग द्वारा दो टीमें SDARF की लगाई गई हैं, जो कि खिलाड़ियों का ध्यान रखेंगे। यदि कोई खिलाड़ी प्रतियोगिता में पानी में गिर जाता है तो तत्काल SDARF की टीमें पानी में कूद कर उसकी जान बचा लेंगी और स्वास्थ्य विभाग की दो टीमें रामगढ़ताल में प्रतियोगिता में रहेंगी, जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर खिलाड़ियों को तत्काल चिकित्सा उपलब्ध करवाया जाए और वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर दो एम्बुलेंस रहेगी। रोइंग प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों का 72 स्वर्ण पदक, 72 रजत पदक, 72 कांस्य पदक दिया जाएगा। वहीं रोइंग प्रतियोगिता में भाग लेने आती खिलाड़ियों ने कहा कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम लोगों का गोरखपुर स्टेशन पर आते ही स्वागत किया गया और बस से होटल पहुँचाया गया। वहाँ पर हमारे रुकने की पूरी व्यवस्था की गई है। हम लोग प्रतियोगिता को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं और हम लोग का पूरा फोकस गोल्ड जीतने पर है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर, रोइंग प्रतियोगिता कंपटीशन मैनेजर सुधीर शर्मा, रोइंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आए खिलाड़ी कोमला हसन, मानसा, दिलजोत कौर, सुखदीप सिंह ने कहा। बैंगलोर कर्नाटका से आई। कैसी है यहाँ की व्यवस्था? बहुत अच्छा है। हमें अच्छे से स्वागत किया रेलवे स्टेशन पे और होटल में लेके गए और खाना भी अच्छा रहा, ब्रेकफास्ट किया और हम लोग अभी आ जाए प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट डे, वेरी एक्साइटेड, देखना है कैसा होगा। ये मेरा पहला चैंपियनशिप नहीं है, रोइंग तो मैं बहुत साल से कर रही हूँ, पर ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहली बार रोइंग इंक्लूडेड हुआ है, तो ये फर्स्ट टाइम है यूनिवर्सिटी गेम्स खेलो यूनिवर्सिटी। अच्छा करने का, मेडल जीतना है। बैंगलोर कर्नाटका से। बहुत अच्छा दिया है, अकोमोडेशन भी, खाना भी बहुत अच्छा है और ट्रांसपोर्ट रेलवे स्टेशन से होटल से बहुत अच्छा है। बहुत एक्साइटमेंट है, अभी दो दिन प्रैक्टिस चलेगा, उसके बाद कंपटीशन शुरू होगा, तो हम अपना बेस्ट दूंगी। गोल्ड तो आना है पर देखेंगे कंपटीशन। कोमला एस एम। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। किस तरह की व्यवस्थाएं मिली आप लोग को यहाँ स्टेशन पे? बहुत अच्छा था, हमारा वेलकम भी बड़ा अच्छा हुआ, पूरी माला मूला पहनाई, बहुत अच्छा था, बड़ा वेलकमिंग सा था सब कुछ। बहुत बढ़िया थी इस टाइम, बिल्कुल अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तो हमारे को एक दिन भी नहीं हुआ, लेकिन उस हिसाब से बहुत बढ़िया करेगा। आप लोगों ने देखा ये बहुत सुंदर लगा हमारे को, हमारे पास वहाँ चंडीगढ़ के अंदर भी सेम लेक है, लेकिन उससे थोड़ी छोटी है, ये तो बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर है। हाँ जी, गोल क्या रहेगा? गोल गोल्ड मारेंगे इस बार, उम्मीद तो गोल्ड की है। मेरा नाम सुखदीप सिंह। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही है सर, हमें खाने की व्यवस्थाएं, यहाँ खेलने की बोट की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है सर यहाँ पे, और लेक तो है ही, ट्रैक तो बहुत अच्छा है सर। यहाँ पे हम रेलवे स्टेशन पे आए, वहाँ पे स्वागत हुआ तो अच्छा लगा और वहीं से हमें बस लेके होटल चले गए थे सर, कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ जी, क्या गोल रहेगा इस बार? गोल्ड तो गोल्ड का ही है सर, बाकी भगवान की कृपा से जो होगा। सभी लोग गोल्ड चाह रहे हैं। हाँ जी, गोल्ड के लिए सभी आते हैं, बाकी हम भी गोल्ड के लिए आए सर। चलो, अगर कितनी टीमें भाग ले रही हैं? 8-8 टीम है ना, 8-8 यूनिवर्सिटी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की नौकायन प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के रामगढ़ताल में 27 मई से 31 मई तक आयोजित होने जा रही है। इसमें हिंदुस्तान की
28 टीमों के लगभग 400 खिलाड़ी महिला और पुरुष भाग ले रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें 30 इवेंट होंगे और 30 इवेंट में लड़कों के भी होंगे, लड़कियों के भी होंगे। सिंगल स्कल, डबल स्कल, पेयर, फोर, क्वाड्रब स्कल, 500 मीटर और 2000 मीटर की रेसें होंगी। विजेता को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक मिलेगा और साथ में वैजंती भी मिलेगी। और आपको एक चीज बताते खुशी हो रही है कि पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश में ये नौकायन प्रतियोगिता जोड़ी गई है, जिसका श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जिनके अथक प्रयासों से ये गेम इस बार इंक्लूड किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये बोट क्लब बनकर तैयार हुआ है, ये लखनऊ, सॉरी गोरखपुर का ही नहीं, उत्तर प्रदेश यानी भारत का एक सर्वश्रेष्ठ बोट क्लब के रूप में आने वाले समय में जाना जाएगा। कितना बढ़ावा मिला गोरखपुर के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के, जो कि खेलो इंडिया वाले करवाते हैं हर साल, इससे युवाओं में एक नई चेतना आती है, नई प्रेरणा मिलती है और ये प्रेरणा इनको आगे आने के समय में ओलंपिक में पदक भी दिलवाएगी। देखिए, खेलो इंडिया के माध्यम से यूनिवर्सिटी रोइंग गेम्स रामगढ़ ताल में गोरखपुर में प्रारंभ होने जा रहे हैं और उसके उसमें जो हमारा काम है वो रामगढ़ ताल के आसपास के क्षेत्र की सफाई, वहाँ का ब्यूटिफिकेशन और विभाग के साथ में जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उस विभाग के साथ में समन्वय स्थापित करने का है। इसकी नोडल एजेंसी जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, तो उसकी डिटेल जो है वो आपको बेहतर वहाँ से मिल पाएंगी। कितनी टीमें लगभग? जैसे मैंने कहा ना कि सारा इसकी सारी डिटेल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास होती हैं, तो वो आपको बेहतर दे पाएगा। हम वहाँ पे केवल समन्वय स्थापित वेन्यू के हिसाब से वहाँ पे काम कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं विभाग ने की है।